नमस्कार, आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में। 4 मार्च का करंट अफेयर्स द हिंदू और अदर न्यूज़पेपर के न्यूज एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन है, त्रिपुरा इलेक्शन में किसे बहुमत मिला है? आंसर है बीजेपी IPFT गठबंधन को। दोनों पार्टियों के गठबंधन ने 25 साल के लेफ्ट शासन को खत्म कर दिया है। गठबंधन को 43 सीट्स मिली हैं। अब इस गठबंधन का CM बनेगा। इससे पहले भाकपा के माणिक सरकार मुख्यमंत्री थे। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। यहाँ कुल विधानसभा सीटें 60 हैं। इस राज्य के गवर्नर तथागत राय हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में बहुमत किसे मिला है? आंसर होगा किसी को नहीं। यहाँ BJP को 29 और NDPP को 29 सीटें मिली हैं, मतलब बराबर बराबर। यहाँ कुल विधानसभा सीटें 60 हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब सरकार किसकी बनती है ये देखना होगा। दोनों ही बहुमत से दूर हैं। गठबंधन भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर कोई पार्टी अपनी सरकार बना ले। इससे पहले यहाँ पर नागालैंड पीपुल्स फ्रंट यानी NPF के शुरहो जेली लियोजित्सु CM थे। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के गवर्नर पद्मनाभ बालकृष्ण हैं। इस राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय विधानसभा चुनाव में बहुमत किसे मिला है? इसका भी आंसर है किसी को नहीं। यहाँ कांग्रेस को 21, NPP को 19 और BJP को 2 सीटें मिली हैं। यहाँ बहुमत के लिए 30 सीटों की जरूरत है, जिससे सबसे बड़ा दल कांग्रेस पीछे है। मेघालय विधानसभा में भी 60 विधानसभा सीटें हैं। इस राज्य की कैपिटल शिलोंग है। यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी UN ने कब मान्यता दी है? आंसर है 9 फरवरी 2018। आज के न्यूज़पेपर में इसे प्रमुख स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या कहें तो इंटरनेशनल सौर अलायंस यानी ISA का मुख्यालय इंडिया के गुड़गांव में है। इसका अस्तित्व फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर 2015 को आया था। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देशों को एक मंच पर लाना है। ऐसे राष्ट्रों की संख्या 122 है। ये जो देश हैं, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है और सोलर एनर्जी से वे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन 122 में से 58 कंट्री ISS के सदस्य बन चुके हैं। 9 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद अब उम्मीद है कि अन्य देश जो कि अब तक सदस्य नहीं बने हैं, वे सदस्य बनने के लिए तेजी से आगे आएंगे। अब ISS द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को भी लागू करना आसान हो जाएगा। यदि दो देशों के बीच भविष्य में कोई विवाद होता है तो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लाया जा सकेगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करने के प्रयास में है और उसको अब तेजी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे YouTube को पता चलता है कि वीडियो पसंद किया जा रहा है और ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कितने वक्त के लिए आगे बढ़ा दिया है? आंसर है 6 महीने के लिए। ये जो कानून है उसे संसद में 11 सितंबर 1958 को पास किया गया था। उग्रवाद गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत आर्म फोर्सेस को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और बल प्रयोग करने आदि में सामान्य प्रक्रियाओं के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता है। अशांत इलाके माने जाने वाले अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में तैनात सैन्य बलों को इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कश्मीर घाटी में भी आतंकवादी घटनाओं की बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में ये कानून सशस्त्र बल जम्मू एंड कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। हालांकि लद्दाख इलाका इस कानून के दायरे से अलग है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? आंसर है त्रान दाई क्वांग। वो इंडिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 मार्च को वियतनाम और इंडिया ने 3 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, जिसमें शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वियतनाम को ट्रांसफर करेगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट व्यापार और निवेश को लेकर है और तीसरा समझौता कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये भी तय किया गया है कि सैन्य सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।
चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको लेकर भी दोनों देश ने संदेश दिया है। वियतनाम के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में संप्रभुता और इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 2100 तक समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है 65 सेंटीमीटर। नासा ने हाल ही में अपनी स्टडी जारी की है, उसके अनुसार क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2100 तक समुद्र तल का ऊंचा होने का जो अनुमान था पहले, उससे दोगुना होने का अनुमान है। तो अगले 82 साल में समुद्र का जलस्तर 65 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इससे समुद्री किनारे के जो जगह हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? आंसर है 4 मार्च 1921। तो ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए ज़रूर। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो करियर को लेकर तो तुरंत कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। यही इस चैनल की स्पेशलिटी है। नए व्यूअर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको भी नए वीडियो के अपलोड होने की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।